सोशल स्टडीज, जो कि बहुत सारे लोगों को या तो मुश्किल लगता है या फिर बोरिंग लगता है, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन डेप्थ नॉलेज ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स में भी आंसर कर पाए और अपना जर्नल नॉलेज भी बहुत अच्छे से शार्पन अप कर पाए. सो टुडेज टॉपिक इज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. वट एवर आई एम टीचिंग ओवर हियर इज टोटली बेस्ड ऑन योर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक्स ओनली. सो दिस इज ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर. And the topic I have chosen for today is reforms in agriculture. The topic is not so difficult, but most of you might feel कि हमें यार ये चीज नहीं समझ आई या हमें यहां पर difficulty हुई है या you might be facing problems in retaining the knowledge. So maybe my this video will help you to clear out your doubts if you have any, or maybe it will just help you to just polish your knowledge and revise it really well. So let's jump into the concept which we are focusing today is reform in agriculture. Ab reforms hote kya hai? Okay, so anything which needs any upgradation, hame kisi cheez ke liye sudhar karya karna hai, ya we need to bring in some मॉडरेशंस एंड मॉड्यूलेशंस, यानी कि हमें इसका मॉडल, बेस लाइन, इन सारी चीजों को जब हमें चेंज करना है ताकि कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री अपनी पोटेंशियल से और अच्छा परफॉर्म कर सके, अपने रियल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, तब हम रिफॉर्म्स लेकर आते हैं. रिफॉर्म्स बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स, सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर लाए जाते हैं. आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर का रिफॉर्म पढ़ना है. अगर हम आज की बात करें, अपने देश की स्थिति को देखें, सो वी ऑल नो कि यस, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप है. व्हाई? स्कोप क्यों है? भाई सिंपल सी चीज है, इंडिया के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है जो यहां पर अलग अलग क्रॉप को हेल्प करता है ग्रो होने में. So the variety of climate India has helps the Indian crops to grow really well. And not just that, India ke andar alag alag type ki crops bhi hai, along with the different crop soil I meant. So alag alag type ka jo crops hamare paas available hai, wo isiliye yahan ugti hai kyunki India mein itne alag alag tarike ke soil bhi available hai. Now alluvial soil in the northern plains, mountain soil in the mountainous regions, red and yellow soil, then we have the laterite soil in the southern side, black soil in the western zone and what not. So India ka soil bahut sari crops ko grow karne mein madad kar sakta hai. Phir bhi India ka agriculture hum dekhte hain yaar bahut zyada, the farmers have to struggle to earn their bread and butter. Why so? क्यों दूसरे देश के लोग इतने आगे बढ़ पा रहे हैं बीइंग अ फार्मर एंड क्यों इंडियन फार्मर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? तो उनकी इस स्ट्रगल को सॉल्व करने के लिए, एग्रीकल्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सालों में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. अब करंटली क्या चल रहा है हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन आवर कंट्री. अब हम बात करें तो हमारे चैप्टर में हमें दो टाइप के रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है. वन इज टेक्निकल, अनदर वन इज इंस्टीट्यूशनल. टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? टेक्निकल रिफॉर्म्स आर दोज विच आर रिलेटेड विद द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द टूल्स, मशीनरीज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप इन आवर कंट्री. टेक्निकल रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स है जिसके अंदर बेसिकली मशीनों की जो हमारी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसको एडवांस कर दिया जाए, बहुत अपग्रेड कर दिया जाए, तो वो टेक्निकल रिफॉर्म्स में आते हैं. तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. वैसे तो जो मैंने यहां पर 2 और 3 में मेंशन किया हुआ है, ये दोनों ही चीजें हमारे अदर रिफॉर्म्स के अंडर मेंशन है.
क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूं मेरे फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो यहां मेंशन है, दैट इज ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सभी ने सुना हुआ है, राइट? सो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। आप याद रखिएगा, कोई प्रॉपर ईयर नहीं है उसका, भाई रीजन है 60s लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे लेवल्स पर अनफोल्ड हुआ था। ओके, एकदम से नहीं हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन बोल दिया है और सब जगह HYVC डूबने लग गए। स्लोली एंड ग्रेजुअली फार्मर्स हैव अलाइंड देमसेल्व्स विद द न्यू मेथड ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत मॉडिफाइड सीड्स, क्या बोलते हैं उन्हें, आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, नहीं भी किया तो मैं बता देती हूं, HYV, हाई यील्डिंग। यील्ड क्या होता है भाई? उगाई, जो हमारी क्रॉप उगी है, जितना उगा है आउटपुट। हाई यील्डिंग वेराइटीज, ये कहां बनाई जाती है? घर पर, सही ना? ये बनाई जाती है लेबोरेटरीज में, रिसर्च लैब्स के अंदर, साइंटिस्ट के द्वारा। इन वेराइटीज का, ये जो सीड होते हैं बेटा, ये बीज होते हैं, इन बीज की बहुत ही खास क्वालिटी होती है कि ये बीज एक तो बहुत जल्दी उगते हैं और फसल भी मोटी तगड़ी करते हैं। लेकिन इनकी एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट भी होती है, इन्हें पानी भी ज्यादा चाहिए, इन्हें लैंड भी बड़ा चाहिए तभी उग सकते हैं, छोटे लैंड पे नहीं उगते। इन्हें फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ चाहिए, तभी आप इस टाइप की वेराइटीज उगा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिंदुस्तान, जहां पर इतनी सारी जनता रहती है, उनका पेट भरने के लिए हमें ज्यादा खाना चाहिए और जल्दी जल्दी खाना चाहिए, उसके लिए HYV सीड्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, हम हर जगह HYV सीड को पहुंचा नहीं पाए थे 1960s में, क्योंकि HYV सीड्स के साथ काम करना बहुत ही महंगा सौदा, इट इज वेरी कॉस्टली, बिकॉज इट नीड्स प्रॉपर इरिगेशन, रादर एडिशनल इरिगेशन देन द ट्रेडिशनल मेथड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल मैन्योर एंड इंसेक्टिसाइड्स। सो हर एक चीज हमें फैक्ट्री बेस्ड चाहिए, जो इनपुट्स हैं वो काफी महंगे होते हैं। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक टेक्निकल रिफॉर्म है, क्योंकि इसके अंडर गवर्नमेंट ने बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर और बहुत जगह तो फ्री में इन सीड्स को बांटा था, इसके बारे में नॉलेज फार्मर्स तक पहुंचाई थी। इन विच स्टेट्स, आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, कौन सी स्टेट्स में हुआ था ये? पूरे इंडिया में सिर्फ 3 स्टेट्स में चला था ये, पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, सम पार्ट्स, पूरे में नहीं था, ठीक है? और इसी की तरह थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी कवर किया गया था, बट सारा कवरेज नहीं था। हाँ, मेन कवरेज आप कह सकते हो इट इज इन पंजाब एंड हरियाणा। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से ही आप समझ गए होंगे इट इज रिलेटेड टू मिल्क। अब मिल्क में क्या रेवोल्यूशन था? बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने मिल्क रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और वो पुराना तरीका जिससे दूध निकालते हैं और फिर बेचने जाते हैं, ये सारी चीजों को कंबाइन किया था। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में अमूल जो है वो बहुत ही फेमस मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड दैट बिलोंग्स टू इंडिया, और वो इस रेवोल्यूशन के अंडर ही इतने बड़े पेडेस्टल पे पहुंचे। Moving on to the next 2 parts, I'm erasing the other terminologies and words that I have written, ताकि आप लोगों का focus ना हिले। Okay, so second point कह रहा है special weather bulletins, bulletins यानी कि news information, right? Weather यानी कि मौसम। तो भाई मौसम जो है, मौसम से रिलेटेड टू वेदर इंफॉर्मेशन इज बीइंग टेलीकास्ट ओवर रेडियोस एंड ओवर योर टीवी चैनल्स, राइट? आप भी देख सकते हैं, फार्मर्स भी देख सकते हैं, एंड फार्मर्स के लिए स्पेशल टीवी चैनल्स भी डेडिकेटेड है। व्हाई?
On those channels, the information regarding crops and how crops are to be grown, which type of crop has to be taken care in which way or which method is the most suitable, the information about the weather, information about the season, information about the fertilizers or the manure or the new policies, all are being displayed and flashed on those TV channels. तो उस टीवी चैनल पर फार्मर से रिलेटेड और फार्मर की क्रॉप से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है, वेदर के रिलेटेड भी आती है, ताकि फार्मर अपना अंदाजा लगा सके कि कब सींचना है, कब पानी डालना है, व्हेन टू वाटर, व्हेन टू इरिगेट, व्हेन टू पुट फर्टिलाइजर, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड देयर. सो इट इज टू हेल्प फार्मर्स. और सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स ही नहीं है भाई, ओनली नॉट ओनली टीवी प्रोग्राम्स, देयर आर आल्सो रेडियो चैनल्स डेडिकेटेड टू फार्मर्स. सो यू कैन सी कि फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए एक बड़े से प्लेटफॉर्म का निर्माण, ठीक है, किया गया है, एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म. इट इज बीन डेडिकेटेड टू फार्मर्स टू हेल्प देम विद एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे माइट नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स इन अ प्रॉपर मैनर. सो दिस वॉज इट फॉर द टेक्निकल रिफॉर्म्स. आई होप इट वॉज हेल्पफुल, राइट? So major focus you need to put on is on green and white revolution. And green revolution ka year tha 1960s, and the major states in which it was firstly introduced. Moving on to our next type of reforms, that are institutional reforms. Institutional, institution kya hota hai? There is some organization or a ministry, group of people, some people who are maybe knowledgeable about the concept of crop and the crop health or something. So everything which is related to an organization, and that organization is dedicated to help farmers with their money problem, crop problem, or maybe land problems, that type of reform is under institutional reform. These are basically the steps taken by government which are not directly related to the crop patterns, but it helps the farmer to grow and it helps them to settle well. Okay, so the first institutional reform was collectivization. Now you people might have heard about this word, huh? But I'm very sure ki bahut bacche bhul gaye honge ki ye kya hota hai. Collectivization, it was started in Russia, USSR. थोड़ा सा याद आ रहा होगा, इट इज रिलेटेड टू द रशियन रेवोल्यूशन. यू पीपल हैव रेड लास्ट ईयर, राइट? नाइन्थ क्लास. ओके, कलेक्टिवाइजेशन, सिंपल मीनिंग, वी नो दैट वन पर्सन मे हैव टू थ्री फोर और मे बी फाइव चिल्ड्रन. ओके, एंड द लैंड इज अ प्रॉपर्टी दैट इज ऑलवेज being distributed amongst the children. तो कोई एक फार्मर है और उसके पांच बच्चे हैं, वो अपना लैंड पांच बच्चों में बांट देगा. फिर वो पांच फार्मर आगे जब उनके बच्चे होंगे वो उनमें बांट देंगे. So are you understanding what is happening here? हमारा जो एक अच्छा खासा बड़ा लैंड था, due to the property inheritance, that total amount of land has been redistributed and have been chopped off in small pieces. छोटे छोटे pieces में वो कट गया यार, क्योंकि बच्चों के बच्चे, उसके बच्चे, उनके बच्चे, सब में बटा. And the problem is, on a small piece of land, you cannot perform modern farming method of cropping. That is, usage of HYV or genetically hybrid seeds, along with major chunk of irrigation and chemical fertilizers or insecticides or maybe big machineries like threshers, rollers, cutters. For all of these things to be used on a land which may provide you a better harvest, you need a very large piece of land. And for that, this collectivization method was introduced under Russian Revolution. Now, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या कहता है? इट सिग्निफाइज कि सभी फार्मर्स जिनके लैंड छोटे छोटे हैं, ठीक है, जिनके भी लैंड साथ में है ना, उन्हें बोलो कि अपने लैंड को
एक ही लैंड गिने और उस पर मिलकर सिंचाई करें, मिलकर दे मस्ट ग्रो द क्रॉप देयर टुगेदर, एंड उसके बाद जो क्रॉप उगेगी ऑब्वियसली वो HYB सीड से उगेगी, बहुत ज्यादा उगेगी एंड प्रॉफिट विल बी हायर। सो वो प्रॉफिट क्या करे, वो सारे फार्मर्स अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर ले। सो ये जो कलेक्टिवाइजेशन आइडिया है ये हेल्प करेगा छोटे छोटे लैंड जिनके पास है उन फार्मर्स को कि वो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर सके, एंड इट विल ओनली बी पॉसिबल इफ दे हैव अ लार्जर पीस ऑफ लैंड, एंड फॉर दैट व्हाट दे नीड टू डू, द ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैविंग अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड में ज्वाइन देयर लैंड्स टुगेदर। ज्वाइन कैसे करेंगे, कहीं से खींच के नहीं लाएंगे, जहां पर अगर एक ही एरिया में, यहां देखिएगा, अगर एक एरिया है ये, ठीक है, ये एक एरिया है, यहां पर किसी के पास ये लैंड है, किसी के पास ये लैंड है, किसी के पास ये है, तो इन फार्मर्स को बोला जा रहा था कि आप अपने लैंड्स जोड़कर काम कर लीजिए और जो फायदा होगा वो अपने लैंड के शेयर के हिसाब से, जिसका ज्यादा लैंड उसे ज्यादा मिलेगा ना, तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि HYV सीड से क्रॉप उगाने में ज्यादा फायदा है। देयर इज मोर बेनिफिट व्हेन यू परफॉर्म योर क्रॉपिंग एक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड से, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड द हार्वेस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली लोअर एंड इट ऑल्सो अक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एफर्ट। मूविंग ऑन टू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बेसिकली क्या है, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। हम सब जानते हैं व्हेन ब्रिटिश यूज टू रूल ओवर इंडिया दे हैव प्रोवाइडेड विद सम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स इन अकॉर्डिंग टू विच वी हैव हर्ड ऑफ द सिस्टम लाइक जमींदारी, महलवारी, रोतवारी, राइट। सो जमींदारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम में क्या होता था, वैसे मोस्टली जमींदारी सिस्टम, दैट देयर यूज टू बी वन जमींदार जिसके अंडर बहुत बड़ा एक इलाका आता था और उसके अंदर जो लोग खेती करते थे, उनके जो खेत थे वो बेसिकली उन खेतों के मालिक नहीं थे, उन्हें अपने खेत का एक रेंट जमींदार को देना पड़ता था। व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया से चले गए, जमींदार ने वो हक जो था ना रेंटिंग वाला वो कंटिन्यूड रखा था। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने जमींदार को कहा कि देखिए ये जमीन आपकी अपनी नहीं है, राइट, एंड एक आदमी को इतनी बड़ी बड़ी जमीन, इतने बड़े बड़े गांव नहीं मिल सकते, तो ये जो जमीनें हैं इसके ऊपर हम एक सीलिंग लगा देते हैं, भाई हम एक लेवल सेट कर देते हैं कि इस लेवल से ज्यादा आप लोग जो हो लैंड नहीं रख सकते, इससे ज्यादा लैंड रखोगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा या आपका लैंड गवर्नमेंट छीन लेगी। और जिनके पास लैंड नहीं है, पीपल हु आर वेरी पुअर एंड आर फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स को वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सो दिस वॉज कंसोलिडेशन, कि लैंड सब इकट्ठा कर लिया, जो भी एक्सेस लैंड था जमींदारों से खींच लिया और लैंडलेस लोगों में बांट दिया गया, ये प्रोग्राम था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप जानते हैं, मदर डेयरी, अमूल, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली सभी लोग जिनके पास, जो अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकते, वो सब मिलकर, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, वो सब मिलकर एक बिजनेस को जेनरेट करते हैं, राइट, एंड अपने जैसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व भी करवाते हैं। जैसे कि अमूल जो है वो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, आपका एक पैस्टराइजेशन कूलिंग सेंटर है, स्टोरेज सेंटर है, हर सुबह जो लोग डेयरी फार्मर्स हैं, ऑल द डेयरी फार्मर्स कलेक्ट देयर मिल्क इन देयर बकेट्स और देयर स्टोरेज कंटेनर्स एंड दे ब्रिंग दोज कंटेनर्स टू द अमूल फैक्ट्रीज और द पैस्टराइजेशन सेंटर्स एंड ऑल द मिल्क इज कलेक्टेड, पैस्टराइज्ड एंड ऑल द प्रोसेस इज डन ओवर इट एंड दैट इज पैक्ड एंड देन सेंड टू द मार्केट फॉर सेलिंग। सो ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे क्या होगा, कई फार्मर्स आप जानते हो, नॉट एवरी फार्मर हैज इनफ मनी टू परचेज अ ट्रैक्टर और टू परचेज अ बिग मशीनरी और हैव मनी टू हैव अ बिग स्टोरेज हाउस, राइट। सो वॉट दे कैन डू इज, ईच फार्मर लाइक दिस हु इज नॉट एबल टू बाय सर्टन थिंग अलोन, दे कैन हेल्प ईच अदर टू परचेज दैट, दैट इज कोऑपरेशन,
कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ये तो मैंने अभी समझाया कि जब इंडिया आजाद हो गया था अंग्रेजों के शासन से फ्रॉम द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, देन जमींदारी सिस्टम विच वॉज अर्लियर प्रेवलेंट अंडर ब्रिटिश सिस्टम वॉज टोटली अबॉलिश्ड एंड द इंडियन गवर्नमेंट सेड दैट यू पीपल कैन नॉट कीप दिस एंटायर लैंड बाय योरसेल्फ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन and it was distributed to you by British and they are not the owners. Now we are the government and we will decide what to do with these lands. So zamindari was abolished. Land reform. Land reform ke under hi ye dono cheeze hui thi beta. Land reforms mein ek to zamindari hui thi. Zamindari ko abolish kiya gaya tha, okay? Abolition. And the other thing that happened was this consolidation. बट स्टिल कई लोग मैनी पीपल दे थिंक दैट द एक्शंस बीइंग टेकन अंडर द लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट एडिक्वेट। लोगों को लगता है कि लैंड रिफॉर्म के अंदर जो भी एक्शन लिए गए ना वो सही नहीं थे, वो और अच्छे से होना चाहिए था, वो अच्छे से नहीं हुआ। अब ये तो कहानी है, प्रूविंग भी है, बट वो चीज अभी तक इन कॉन्टिन्यूएशन है और कई लोग तो अभी भी बोलते हैं कि दोबारा से लैंड रिफॉर्म लाना चाहिए, बट वो एक क्वेश्चन मार्क है और हमें बस इतना ध्यान रखना है कि लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, राइट? अब वो अच्छे थे नहीं थे ये तो क्वेश्चन है उन लोगों पर जो जिन्हें डाउट है उनके लिए। नेक्स्ट इज केसीसी एंड पाइस। केसीसी इज इसकी फुल फॉर्म है, सो केसीसी की फुल फॉर्म मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं आप लोगों के लिए। केसीसी स्टैंड्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे आप ऑन द स्पॉट कुछ भी परचेज कर सकते हैं, यू कैन मेक द पेमेंट एंड वो जो पेमेंट है वो आपके बैंक से नहीं कटती, वो पेमेंट आप बाद में जो भी आपका टाइम स्लॉटेड आपको अलॉट हुआ हुआ है आप उस टाइम में उस पेमेंट को चुका देते हैं, ठीक है? सो एक तरीके का ये स्मॉल लोन होता है, ओके? नाउ किसान को अलग से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है ताकि वो अपनी किसान वाली चीजें यानी कि द आइटम्स और द टूल्स और द मैन्योर्स ऑल द स्टफ दैट इज नीडेड to perform the farming function, to perform the agricultural functions. So the farmers may purchase that with the usage of this किसान credit card and farmers को जो है जो interest rates होते हैं वो भी कम charge किए जाते हैं, the interest rate being charged on the farmers purchases for the farming activities are lesser than the usual. Next that I have mentioned is PIAS. So this stands for personal accident insurance scheme. Personal accident insurance scheme. Personal accident, अब देखिए farmers can meet accidents anytime, right? How? Farmers use those pesticides, insecticides, they are full of chemicals. Sometimes the farmer hands may burn or maybe an accident due to performing some agricultural activity due to tractors or anything. So this personal accident insurance scheme covers that. There is one more insurance that I need to mention over here. There is one more insurance scheme, that is crop insurance. We all know because of fires, flood, drought, many a times the entire crop field goes in vain, all the effort goes in vain, sab barbaad ho jata hai. Us time par crop insurance helps the farmer. This insurance is only applied on the crops, okay? So it is only available for the farmers. तो कुछ पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो उसे रिकवर कर पाए, राइट? सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और बैंक रिलेटेड बेनिफिट्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। द सेवेंथ पॉइंट मेंशन देयर इज एग्रीकल्चरल बैंक
एंड आई हैव गिवन वन एग्जांपल, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो एग्रीकल्चरल बैंक्स लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स हम लोगों को, आप जैसे बच्चों को, हम लोगों को, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं लोन एक्टिविटीज, सेविंग द मनी एंड एवरीथिंग. एग्रीकल्चरल बैंक्स उनकी डेवलपमेंट, सीड, उनकी क्रॉप रिलेटेड जो भी फैसिलिटेशंस होती हैं उस पर फोकस करते हैं, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं. ओके, सो ये नॉर्मल बैंक्स नहीं है, दे आर डायरेक्टेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. द लास्ट थिंग दैट आई हैव रिटन इज एमएसपी एंड पीडीएस. नाउ पीडीएस इज नॉट बेनिफिशियल टू अ फार्मर डायरेक्टली बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसका मेन फंक्शन होता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? बट ऑब्वियसली द एंटायर फूड कलेक्शन इज डन फ्रॉम अ फार्मर ओनली. वी टेक द फूड, वी कलेक्ट द फूड, नॉट वी, एक्चुअली द गवर्नमेंट कलेक्ट द फूड फ्रॉम द फार्मर ओनली. तो फार्मर इज ऑल्सो बेनिफिटेड अंडर दैट प्रोग्राम. वॉट इज इंपॉर्टेंट इन दैट पॉइंट इज एमएसपी, विच स्टैंड फॉर, पीपल कैन कमेंट द फुल फॉर्म ऑफ इट डाउन बिलो, बट आई एम ऑल्सो मेंशनिंग ओवर हियर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इट इज द लोएस्ट मोस्ट अमाउंट, मिनिमम अमाउंट बेसिकली विच फार्मर मस्ट गेट फॉर देयर प्रोड्यूस. सो जो गवर्नमेंट है, जब फार्मर्स अपनी क्रॉप सो कर देते हैं आफ्टर सोइंग, ओके, दे अनाउंस दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सर्टन क्रॉप्स एंड दे प्रोमिस द फार्मर, द गवर्नमेंट प्रोमिस द फार्मर दैट इफ द मार्केट, द नॉर्मल मार्केट, द नॉर्मल ट्रेडर्स, द प्राइवेट ट्रेडर्स वोंट बाय योर प्रोडक्ट एट दिस मिनिमम प्राइस, देन यू मे सेल इट टू अस, और दिस इज द प्राइस दैट एट विच वी विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू पीपल. And that product is stored and it is also given out under the PDS, public distribution system and everything. So this is basically a major power in the hands of farmer, that if they feel that traders are exploiting them, they can keep their crops to be sold to the government agencies, which will give them a minimum price that they have announced prior the harvest. ओके, हार्वेस्ट से पहले ही उनको पता होता है कि इतना मिनिमम तो मिलेगा, दिस विल बी द मिनिमम अमाउंट. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स को इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, दे कैन गेट अ हायर प्राइस, ओके, बट दिस इज द मिनिमम प्राइस, इससे कम में फार्मर्स को नहीं बेचना चाहिए, ये कहने का मतलब है. ज्यादा में दे कैन सेल, ओके, ट्रेडर्स आर ऑफरिंग देम मोर मनी, दे कैन, farmers can definitely sell their products at a high price, but this is the minimum price, the price below which farmers should not sell their product, because that would be exploitation. Okay, so these are some of the institutional reforms, and I hope you people have understood all the reforms very clearly. The data I have taken here is all from NCERT, and there can be questions like full form of KCC, full form of MSP, full form of PAIS for you as MCQ questions. Okay, and maybe they can also give you some 3-4 points like collectivization, cooperative, abolition, KCC, PAIS and weather bulletins, and may ask you from out of all of these, which ones are technical or institutional reforms. So these kind of questions may be asked from you from this particular topic, or for more questions, detailed questions, subjective questions, and for your revision, a better revision, you can visit Pooja Bhatia classes, and in that particular channel you can find the questions of this chapter, important questions of this chapter explained and displayed to you on the screen. Thank you so much.